हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, थोड़े से लेट हो गए हैं, पर चलो, लेट लतीफ है, पर पूरे गॉन केस नहीं हुए। तो हम कर रहे हैं कार्गो ट्रेलर, एंड मेरे ख्याल से कार्गो ट्रेलर में जो है वो है विक्रांत, श्वेता त्रिपाठी, और ये शायद 9 सितंबर को हो सकता है, मेरे ख्याल से आने वाली होगी। तो नाइन सितंबर आ चुकी मतलब अब है, आ चुकी है। राइट। तो चलो, मेरे को लग रहा है ये कार्गो हो ही है। हमने सीरियल कौन सा क्या किया था? हाँ, यही नेटफ्लिक्स का जो स्ले पॉइंट ने किया था वीडियो, उसमें उन्होंने एक सीन दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कार्गो का एक्चुअली सीन है, जिसको लोग सोच रहे थे कि वो किसी और का सीरियल का सीन है, तो वो डिफरेंट है वो, क्योंकि उसमें जो एक्टर्स थे वो वही थे जो उसके अंदर थे। अब मुझे वो सीरियल का नाम पता नहीं, याद नहीं आ रहा है क्या नाम था, मेरे ख्याल से एम से कोई नाम था, और मिर्जापुर, याद आ गया, मिर्जापुर में थे वो ही एक्टर्स, और वो अब इसमें भी हैं। तो चलो देखते हैं, ये जो मेरे ख्याल से ट्रेलर ये लोग दिखा रहे हैं, तो देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है, इंटरेस्टिंग है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले जल्दी से नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो कर देना लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और कल रॉकेट मनुष्य की स्क्रीनिंग के लिए 20 और मेगा स्पेसशिप लॉन्च हुई। इस समझौते के कारण मनुष्य और राक्षसों के कुल वॉर को थोड़ी राक्षस कार्गो इज एंटरिंग सून। मैं प्रहस्ता पोस्टेड सर्विसेज का राक्षस, आपका पुष्पक 634 में स्वागत है। मैं पूरे दिन यहाँ वेट करता हूँ, और पृथ्वी पे जो लोग मर जाते हैं वो यहाँ आते हैं। मिस्टर केसी सरकार, आपका सडनली हार्ट अटैक से निधन हो गया है। यदि आप नेक्स्ट लाइफ में ट्रांजिशन के लिए तैयार हैं, आप मेरे साथ आ सकते हैं। पहले लोगों को ठीक करता हूँ, उसके बाद उनकी यादें मिटाता हूँ। रिक, आप मार क्यों रहे हैं? और फिर फाइनली उनका ट्रांजिशन करता हूँ। सेशन कंप्लीट। बेस्ट, पृथ्वी पे पूरा एक युग बीत गया है। अभी इतने सालों से स्पेस में है, किसी को दिखे हो? हेलो सर, दिस इज युविष्का शेखर रिपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन द एक्सट्रैक्शन बे। ओ, ये वही लड़की है जो उसके साथ उसी सीजन में थी। आज पहली बार मैं पुष्पक 634A से लाइव जा रही हूँ। आप इतना टाइम यहाँ पे अकेले ही हैं? हम तो हर जगह अकेले ही रहते हैं। मतलब ये स्वर्ग है? कोई स्वर्ग, कोई नर्क नहीं होता है सर, यहाँ पे सभी लोग आते हैं। हर कार्गो के साथ पृथ्वी में कई कहानियां जुड़ी होती हैं। जब ये कार्गोज मर जाते हैं, कई कहानियां भी खत्म हो जाती हैं। काउंट स्टार्ट, 10, 9, 3, ये भी मर गई है, 7, 6, 5, 4 3, 2, 1, 0। लोग ऐसा कहते हैं कि वो यहां तब आते हैं जब उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। कभी भी कुछ भी हमेशा के लिए नहीं खत्म होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है हमेशा। सच्ची बताऊं, मेरा तो कुछ समझ ही नहीं आया क्या स्टोरी है। पहले तो मुझे लगा उन्होंने कहा कि इंसान और शायद राक्षस के बीच में है, तो मुझे लगा वो एक्चुअल राक्षस जो होते हैं वो है। फिर उन्होंने स्पेसशिप दिखा दी, मैंने कहा ये तो मॉडर्न टाइम के, तो राक्षस कहां से आ गए? मैंने कहा शायद कोई एलियन राक्षस होंगे। फिर उन्होंने इनको दिखा दिया, वो तो ह्यूमन फॉर्म में ही थे, जिसको कहा कि मैं राक्षस हूं। मैंने कहा अब ये क्या चीज है? फिर आगे जाके लगा कि वो कह रहे हैं कि कोई कार्गो आता है, तो फिर देख के पता चला कि कार्गो में शायद ह्यूमंस आ रहे हैं, वो भी ह्यूमन जो मर गए हैं। तो जो मर जाता है अर्थ से उनको कार्गो बोलते हैं, और सामान जैसे बोलते हैं, और उनको यहां भेज रहे हैं। अब यहां भेज के उनको
पता करते हैं शायद कि उनका क्या बॉडी पार्ट जो था वो फेल हुआ, उसको शायद ठीक करते हैं. जैसे एक में दिखाया कि आपका तो हार्ट में प्रॉब्लम हुई थी तो शायद हार्ट को ठीक कर रहे थे. उसके बाद फिर उनकी मेमोरी कह रहे हैं कि हम वाइप आउट कर देते हैं, और फिर क्या पता नहीं क्या उनको ट्रांजिशन कर देते हैं. अब ये ट्रांजिशन का क्या मतलब है वो मुझे कोई आइडिया नहीं है. उसके बाद उन्होंने दिखाया है कि जो लड़की हैं ये आती हैं, मुझे लगा शायद असिस्टेंट की तरह आ रही हैं. तो जब वो असिस्टेंट की तरह आ रही हैं तो एक सीन में दिखा दिया उनके भी दिमाग में ये लगा दिया है, तो मुझे लगा कि शायद ये मर गई हैं और आई हैं, और इनको लगा कि नहीं मुझे कंपेनियन चाहिए, कोई फ्रेंड चाहिए, तो इसलिए उसको रख रहे हैं. मेरे को तो ये लगा, मैं तो यही सोच रही हूं. पर सच बताऊं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या स्टोरी है क्या नहीं है. मैं टोटली कंफ्यूज हो गई हूँ. शुरू में इंटरेस्टिंग लगी, पर उसके बाद जब उन्होंने ये सब किया तो मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गई हूँ. तो अगर आपको समझ में आई है, अब तो आई गई होगी क्योंकि सीरियल तो शुरू हो गया, कुछ तो आइडिया हो ही गया होगा क्या बोल रहे हैं, तो मुझे बताना. और अगर हस्बैंड ने भी बोला ना हाँ मुझे भी कंफ्यूजिंग लग रही है, तो फिर तो ना हो गया काम. राइट सर, बहुत सारी जो मूवीज होती हैं, पहली बात तो ये मुझे शायद पहली इंडियन या हिंदी जो है, हिंदी में थी पहली हिंदी जो है साइंस फिक्शन मूवी लग रही है. तो पहले डेफिनेटली हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं था. पहली जो है क्योंकि स्पेसशिप आ रही है सारे, मेरे ख्याल से वन ऑफ दी फर्स्ट साईफाई साइंस फिक्शन की मूवी हिंदी की. अब दूसरी बात ये, कभी भी जब कोई मूवी आती है जिसमें बड़े सारे दिखाते हैं कि यहाँ विनी है, यहाँ विन कर गई है मूवी, वहाँ विन कर गई है, वो दिखाते हैं वो जो सिंबल्स बने होते हैं जिसमें छोटा सा वो ग्रीक सिंबल होता है, मतलब जो पत्ते वाला, वो सारी मूवीज होती है पूरी वियर्ड होती है. मैंने ये हमेशा जब भी ऐसी मूवी आ जाए बोला कि बड़े अवार्ड जीती है, ये जीती है, वो जीती है, ये पूरे रोमन पत्ते वाले आ जाते हैं, मैं समझ जाता हूँ भैया गए काम से. अभी ये मूवी है कि मूवी या सीरियल, जिस भी ट्रेलर लिखा है हो सकता है मूवी हो. तो अगर कोई भी सीरियल या ट्रेलर है, कोई मूवी आया जिसे बहुत अवार्ड जीते हैं, वो पत्ते पुत्ते नजर आ रहे हैं, पर वो अवार्ड कैसे जीत सकते हैं, वो तभी आई नहीं है. मुझे नहीं पता अगर इनको अवार्ड मिल चुका है स्क्रीनिंग में या कहीं पर भी, तो अगर पत्ते दिखा दिए तो आपको सोचना पड़ता है कुछ घपला, कॉम्प्लिकेटेड होगी, मतलब कुछ घपला है, दिमाग लगाना पड़ेगा. दिमाग वाली बात नहीं है, मतलब दिमाग खराब होगा. हाँ मतलब दिमाग वाली बात ही नहीं है. दिमाग वाली बात होती ठीक है, आप शेरलॉक होम्स दिखा दीजिए, आप कोई स्पाई दिखा दीजिए, वो ठीक है, मगर पत्ते पुत्ते वालों में कुछ तो लफड़ा होता है. पत्ते वाली नहीं देखनी इसका, ठीक है. अब इसमें भी है कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं, तो दिखा रहे हैं कि देखिए जब मरते हैं वो दिखा रहे हैं, आप मर गए ऐसा कुछ नहीं है कि आप हेवन में जाएंगे या हेल में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं. आप हमारे पास आएंगे, फिर हम आपकी मेमोरी उड़ाएंगे, आपके बॉडी पार्ट रिकंडीशन करेंगे, यूज करेंगे, या आपको ट्रांजिशन करेंगे, आपकी ब्रेन उड़ा के वापस किसी बच्चे की तरह, मतलब ये वो सोचें जो रीसेट करते हैं ह्यूमन बींग्स को, शायद कि मतलब जैसे मर गए ऊपर गए तो वापस आपने पैदा होना है. वापस पैदा होते हैं तो आप में आपके कुछ चीजें आपके साथ रहती हैं, कुछ नहीं रहती, मतलब आपको याद नहीं रहता, पिछली जन्म का याद नहीं रहता, तो रीसेट करके आपको भेजा जाता है किसी और घर में, किसी और एनवायरनमेंट में. तो ये लोग हो सकता है वो डिसाइड करते हैं, कर रहे हैं. अच्छा, तो मुझे नहीं पता, हो सकता है ऐसा हो, मगर वही मैं जहां पत्ते पुत्ते दिख गए समझ लीजिए कुछ ना कुछ घपला है, या तो आपके दिमाग को उड़ा देगी कुछ पता नहीं क्या है, दिमाग को उड़ा दी. तो ये नया कॉन्सेप्ट है, तो देखते हैं कि कैसे पॉपुलर होती है. मगर जिस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं साइंस फिक्शन मूवी, ये कोई दूसरे तरीके की साइंस फिक्शन भी बना सकते थे जो थोड़ी हो कि भाई लेस कॉम्प्लिकेटेड. इंडिया के गगन नॉर्थ चले गए हैं, वो इंडिया ने स्पेसशिप लॉन्च कर दिया है, वहां पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, दूसरे जगह जा रहे हैं, मगर इन्होंने कुछ और ही अजीब किया है. ये जो राक्षस दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि और भी कहीं, जैसे आपने कितनी सारी साइंस फिक्शन मूवीज देखी है उसमें देखा कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होती है स्पेसिस में, राइट. जैसे आपको स्पॉक दिखा था, अगर आप स्टार ट्रेक में स्पॉक जो है डिफरेंट प्लैनेट का है, राइट. तो उसी तरह से आपके डिफरेंसेस में क्लिंगॉन्स नजर आए थे, तो कितने डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है डिफरेंट, तो वही दिखा रहे हैं. हो सकते हैं कि राक्षस का मतलब के कि मतलब कोई और प्लैनेट में जो लोग रहते हैं उनको हम राक्षस बोलते हैं, एक्चुअली वो अपने प्लैनेट के जो भी उनका नाम है और वो भी आ गए हैं स्पेसशिप में, तो मुझे नहीं पता. मगर मैं वो जहाँ पत्तेगिरी आ जाए उसमें जय श्री राम बोलिए और आगे बढ़िए. तो आप बताना कॉमेंट सेक्शन में कि भाई क्या आपको लगता है. वैसे हम भी देख सकते हैं, ट्राई करते हैं, आज आज देखने की कोशिश करते हैं एक सीरियल. अब तक तो आ ही गया होगा ना,
नाइन्थ को आना था तो काफी सीरियल्स आ गए होंगे अगर मूवी थी तो मूवी रिलीज हो गई होगी। कुछ दिन पहले नेटफ्लिक्स चलाया था तो मुझे अच्छा चुपके चला लिया मैंने बताया अपने फोन में ऑन किया था और मुझे कार्गो नजर आ रहा था बट मुझे कुछ मजा नहीं मैंने थोड़ा सा देखा मैंने कहा नहीं यार अगर मुझे पता होता है पत्ते पुत्ते तो मैं बोलता बिल्कुल ही नहीं बाद में देखेंगे जी बिल्कुल ही मतलब बंदा बोर हो गया होगा चलो देख ले यार क्या होता है मगर मैं बाकी आप बताइए आपको कैसा लगता है मगर जिन भी मूवीज में देखा कि आप डीवीडी लेते हैं डीवीडी में बड़े सारे अवार्ड बने थे ये अवार्ड वो अवार्ड और सारे रोमन पत्ते वाले अवार्ड अवार्ड भरे होते हैं तो लगता है बड़ी अच्छी मूवी होगी और अपनी लाइफ ने बताया कि जब भी उस मूवी को देखा है मुझे लगा यार पता नहीं इतने पत्ते कैसे मिल गए इनको मगर अच्छी बात है मिल गए तो बड़ी अच्छी बात है आप जो है मतलब पॉपुलर हुए हैं। चलो फिर आप बताना अगर आपने देखी है आपका क्या एडवाइस है देखें कि नहीं देखें तो वेट करेंगे आज ही देखेंगे अगर तो आपने बोला कि हाँ अच्छी है देखो तो देखेंगे नहीं तो फिर हम टाइम नहीं वेस्ट करने वाले तो वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं अभी तक का तो शिक्षा ज्ञान हमें यही मिली है कि पत्ते वाली मूवियां नहीं देखनी। नहीं पत्ते वाली मूवी देखिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा नहीं देखिए मगर याद रखिए कि पत्ते वाली है मतलब जो भी जा रहा है हाँ मतलब जैसे कोई जा रहा है देखने के लिए तो पहले पता करके वार्न किया गया उसको कि पत्ते दे रहे हैं मतलब पत्ते पत्ते थे तो आप वो आपको मतलब कर दिया आप जानते हुए जाइए देखिए उसको ऑब्जेक्टिवली देखिए मतलब बायस मत रखिए अपने खुले दिमाग से देखिए कि आपको कैसे लगी हम अच्छी थी थैंक यू आपने तो पता चला बहुत ही अच्छी है और सब बोलेंगे इतनी अच्छी मूवी का हमने मेरा ही अपना एक्सपीरियंस है मैं किसी को मैं ये नहीं बोल रहा कि मूवीज गंदी होती हैं सिर्फ डिफरेंट होती हैं। चलो तो आप भी बताना कि एग्री करते हो कि नहीं जो ये बोल रहे हैं और उसी हिसाब से मैं फिर देखूंगी या नहीं देखूंगी। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।